नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच का ये जो क्वेश्चन पेपर है 2020 और इसका हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्वेश्चन पेपर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथियों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ए आपका रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2020 में पूछा गया था, 2020 शॉर्ट का यह सवाल है। अब नया सिलेबस बदल चुका है तो पता नहीं कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं या नहीं। अगर आपको पढ़ने हैं तो इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो ग्रुप ए का भी सब्जेक्टिव आप सभी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए रिसीवर नॉइज इज डेवलप्ड एट। रिसीवर में नॉइज कहाँ पे डेवलप्ड होता है? तो आपका आरएफ स्टेज पे आपका नॉइज डेवलप होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑक्सीलरेटर इज यूज्ड एज लोकल ऑक्सीलेटर इन रेडियो रिसीवर। कौन सा ऑक्सीलेटर का उपयोग लोकल ऑक्सीलेटर के जैसा किया जाता है या के समान होता है, किसमें? तो रेडियो रिसीवर में। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो का हेटली बोलिए। ऑप्शन बी नंबर जो है हेटली ऑक्सीलेटर, इसका ही उपयोग आपके होते हैं लोकल एक ऑक्सीलेटर के जैसा। दो का बी हो जाएगा। थर्ड नंबर है, व्हिच एम्पलीफायर इज प्रेफरली यूज्ड फॉर लो लेवल मॉड्यूलेशन। कौन सा एम्पलीफायर का प्रेफरली उपयोग किया जाता है लो लेवल मॉड्यूलेशन के लिए? तो लो लेवल मॉड्यूलेशन के लिए आपका जो एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है वो आपका है क्लास सी एम्पलीफायर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज ए कोर डायमीटर ऑफ। आप देख सकते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के पास आपके कोर डायमीटर कितना के बीच में लाइज करता है। तो चार का आंसर हो जाएगा 100 to 300 नैनो माइक्रो। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोमीटर, 100 to 300 माइक्रोमीटर में आपका डायमीटर यानी कि व्यास कोर का मल्टीमोड स्टेप फाइबर इंडेक्स फाइबर का डायमीटर लाई करता है। फिफ्थ नंबर है, मून कंप्लीट्स वन ऑर्बिट इन। चंद्रमा एक तरह से अब एक चक्कर कब लगा लेता है पृथ्वी का चारों तरफ, कब कितने दिनों में घूम लेता है? तो 28 दिनों में, ठीक है, वन ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। अब फिफ्थ के बाद सिक्स्थ नंबर है, ए सॉल्यूशन टू द ब्लिंड स्पीड प्रॉब्लम इज। ब्लाइंड स्पीड समस्या का सलूशन क्या है? ठीक है, ब्लाइंड स्पीड प्रॉब्लम का हल आपका क्या है? तो सिक्स का आंसर हो जाएगा टू यूज MTI टू वेरी द PRF। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, टू वेरी PRF, ये आपका राइट आंसर होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ आयनोस्फीयर इज गिवेन बाय। आयनोस्फीयर का क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जिसको FO या फिर FC बोल सकते हैं, उसको आप क्या चीज़ में गिव कर सकते हैं, दे सकते हैं, परिभाषा क्या है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का? तो FC इक्वल्स टू 9√Nmaxये आपका ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। आठ का देखिए, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग यूजेज UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज जो आपका 300 मेगाहर्ट्ज़ से आपका
3000 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 3 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का रेंज, तो उसमें कौन से वेव का उपयोग किया जाता है? तो स्काई वेव, सरफेस वेव, स्पेस वेव, नॉन ऑफ दिज। तो 8 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा स्पेस वेव। स्पेस वेव में अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज इनपुट ऑफ द मिक्सर स्टेज? मिक्सर स्टेज का इनपुट इनमें से कौन सा है? ठीक है, मिक्सर स्टेज का इनपुट कौन सा है? आरएफ सिग्नल, लोकल ऑसिलेटर सिग्नल, बोथ एंड भी, दोनों आपके हो जाएंगे। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। 10th नंबर, स्काई वेव प्रोपागेशन इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग? स्काई वेव जो कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पे स्पेस वेव होता है, स्काई वेव का उपयोग, प्रोपागेशन का उपयोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। इलेवेन नंबर है, ए पी पी आई डिस्प्ले पिक्सल पर पी पी एल है, पी पी पिक्सल पर इंच, ठीक है, पी पी आई डिस्प्ले का मतलब इनमें से ऑप्शन देख लेना है कौन सा सही होगा। तो पिक्सल पर इंच का ले, ये सब लैपटॉप या फिर मोबाइल होता है उसका रिजोल्यूशन होता है, उससे रिलेटेड कुछ है रिजोल्यूशन। तो ये आपका रेंज वर्सेस एंगल, रेंज रेंज वर्सेस एंगल आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर है, हाउ इज द इफेक्ट ऑफ सिलेक्टिव फेडिंग रिड्यूस? सिलेक्टिव फेडिंग है वो कब या कैसे उसका इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है? ठीक है, तो बाय हाई कैरियर रिसेप्शन एंड सिंगल साइड बैंड सिस्टम, बाय लो कैरियर, बाय हाई कैरियर एंड डबल साइड, बाय लो कैरियर एंड डबल साइड बैंड सिस्टम। तो बाय हाई कैरियर रिसेप्शन एंड सिंगल साइड बैंड सिस्टम, ठीक है, हाई कैरियर और सिंगल साइड बैंड सिस्टम के सहायता से इसको, इसका जो इफेक्ट है सिलेक्टिव फेडिंग का, और रिड्यूस किया जाएगा। तेरा नंबर है आपका, लेजर इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन एट? लेजर का उपयोग कम्युनिकेशन में कहाँ पे होता है? ठीक है, तो लाइट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मिलीमीटर वेवलेंथ, माइक्रो वेव फ्रीक्वेंसी, लाइट फ्रीक्वेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइट फ्रीक्वेंसी लेजर में, कम्युनिकेशन में लाइट फ्रीक्वेंसी पर लेजर का उपयोग किया जाता है। लेजर जिसका फुल फॉर्म आप कह सकते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म हो गया, जो कि लाइट फ्रीक्वेंसी पर कम उपयोग किया जाता है लेजर का कम्युनिकेशन के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द सेटेलाइट सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेटेलाइट ट्रांसपोर्टर टू अर्थ स्टेशन? कौन सा सेटेलाइट है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है सेटेलाइट ट्रांसपोर्टर टू अर्थ स्टेशन? तो इस आपके सेटेलाइट को बोला जाता है डाउन लिंक, ठीक है, ऊपर से नीचे के लिए ट्रांसमिट करना है, यानी डाउन लिंक इसका नाम है। अब देखते हैं, जैसे स्पेस एक्स जो एलन मस्क है वो क्या कर रहे हैं, स्टार लिंक वाईफाई एक सिस्टम बना रहे हैं धरती के चारों तरफ, जहाँ पे आप लोग इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो जहाँ पे नेटवर्क नहीं भी होता है, हर एक जगह पृथ्वी पर आप स्टारलिंक अगर आप लेते हैं तो उसका डाटा उपयोग कर सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो
क्या है, स्टेट सेटेलाइट कम्युनिकेशन, वो भी एक सेटेलाइट के माध्यम से ही आप लोगों का नेट आपके मोबाइल में दिया जाएगा। तो सेटेलाइट सिग्नल को इस सेटेलाइट ट्रांसपोर्टर से अर्थ तक ट्रांसमिट किया जाता है, तो इसका भी नाम है डाउन लिंक। जैसे स्टार लिंक, उसमें भी लिंक लगा हुआ है, डाउन लिंक में भी लिंक लगा हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, द रिजोल्यूशन ऑफ ए पल्स रडार कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। रिजोल्यूशन पल्स रडार, पल्स रडार का रिजोल्यूशन है वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो डिक्रीजिंग पल्स विड्थ, उसके चौड़ाई को, पल्स की चौड़ाई को घटा करके उसके रिजोल्यूशन को, पल्स रडार के रिजोल्यूशन को बढ़ाया जा सकता है। 15 का बी नंबर हो जाएगा। 16, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल सेटेलाइट। ऑपरेशनल सेटेलाइट कहिए या फिर मैनमेड, कौन सा भारत का प्रथम सेटेलाइट है जो धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ऑब्वियसली आर्यभट्ट सेटेलाइट आप सभी को पता होगा। 17वां क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बैंड इज नॉट सुटेबल फॉर सेटेलाइट कम्युनिकेशन। कौन सा बैंड निम्नलिखित में से सुटेबल नहीं है सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा MF। MF आपका उपयोग नहीं होता है, सुटेबल नहीं होता है सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, MF बैंड। ठीक है, 18 नंबर है, हेलिकल एंटीना इज लिनियरली पोलराइज्ड, सर्कुलरली पोलराइज्ड, वर्टिकल पोलराइज्ड। तो हेलिकल एंटीना को आप लोग देखिएगा, तो जैसे डिश लगा होता है, तो गोल गोला लगा होता है, एक प्रकार से बड़े बड़े टावर देखते हैं, वो भी एक प्रकार का एंटीना कह ले, लेकिन हेलिकल एंटीना होता है जिसमें नेटवर्क टावर की तरह तो छोटा बड़ा होता है, और उसके चारों तरफ एक वायर पहले गोल में लपटा हुआ देखने को मिल जाते हैं, और वही आपका एंटीना किसी भी सिग्नल को उस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि सर्कुलरली पोलराइज्ड होता है हेलिकल एंटीना, वृत्त की भांति उसको गोल गोल करके और वहाँ पे एक नेट खड़ा किया गया रहता है। ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। 19 है, द ड्यूरेशन ऑफ सनस्पॉट साइकिल इज, ये आपका 11 साल का होता है। ठीक है, सनस्पॉट साइकिल जिसको सूर्य धब्बा चक्र बोलते हैं, उसका जो समय होता है 11 ईयर का होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, ए बैंड इज द यूनिट ऑफ, बैंड आपका यूनिट होता है सिग्नलिंग स्पीड। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं जो सवाल है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।